2024 के लोकसभा चुनाव के चलते राजनीतिक पार्टियों में हलचल साफ देखने को मिल रही है। इसका असर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है। इसी बीच इंटरनेट पर कई तरह के दावे भी चलाए जा रहे हैं। ऑल्ट न्यूज द्वारा मार्च 2024 में फैक्ट चेक किए गए ऐसे ही कुछ चुनिंदा दावों की सच्चाई हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये दावा किया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके सभी जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खुल चुके हैं। यूपी संभवतः देश का पहला राज्य होगा आज के बाद जिसके पास अपने सभी 75 जनपदों में अपने साइबर थाने होंगे और यूपी के सभी 75 जनपदों के 75 साइबर थानों का शुभारंभ, जिनमें 18 को हम पहले प्रारंभ कर चुके थे, शेष 57 का शुभारंभ किया जा रहा है। मीडिया आउटलेट्स ने भी बिना इस दावे को क्रॉस चेक किए योगी आदित्यनाथ के भाषण के हवाले से खबर पब्लिश कर दी। ऑल्ट न्यूज ने इस पूरे मामले में तहकीकात की और पाया कि और भी कई राज्यों के सभी जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जा चुके हैं। 2023 की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार के 38 जिलों में 44 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जा चुके हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन है, यानी यूपी देश का ऐसा पहला राज्य नहीं है जिसके सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हो। कांग्रेस नेता सैयद नासिर हुसैन का कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर करते हुए दावा चलाया गया कि उनके समर्थकों ने पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए हैं। कई भाजपा नेताओं ने ये दावा शेयर किया है, जैसे भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय, राजीव चंद्रशेखर, तेजस्वी सूर्या और भी कई दक्षिणपंथी अकाउंट्स ने ये दावा आगे बढ़ाया है। वायरल वीडियो का लंबा वर्जन देखने पर और उसे स्लो मोशन में प्ले करने पर साफ सुनाई देता है कि ये लोग नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। चुनावी हथकंडों के बीच कांग्रेस ने भाजपा नेता नितिन गडकरी का ये वीडियो ट्वीट किया और दावा किया कि उन्होंने भाजपा की आलोचना की। आज गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल, जमीन, जंगल और जानवर, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। देखते ही देखते कई कांग्रेस नेताओं ने भी ये वीडियो शेयर करते हुए इस दावे को आगे बढ़ाया। ऑल्ट न्यूज ने कथित वीडियो की जांच की और पाया कि मूल रूप से नितिन गडकरी सभी सरकारों के संदर्भ में ये बात कह रहे थे। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि हमारे देश के विकास में हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट GDP में कॉन्ट्रीब्यूट करती है केवल 12%, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता 22-24% और सर्विस सेक्टर 52-54%। हमारे एग्रीकल्चर पर जो पॉपुलेशन डिपेंड होती है वो 65%। जब गांधी जी थे तब 90% आबादी गांव में रहती थी और धीरे धीरे ये 30% का माइग्रेशन क्यों हुआ? इसका कारण आज गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल, जमीन, जंगल और जानवर, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होनी है वो हुई है, हुई नहीं ऐसा नहीं, पर जिस प्रपोर्शन में बाकी पर इसमें हुआ उतना नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद हम भी बहुत काम कर रहे हैं। हमने 550 एस्पिरेंट ब्लॉक्स निकाले हैं, 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट मोदी जी ने निकाले कि जहाँ विशेष रूप से काम करें। तो ये जो परिस्थिति है इसमें उपाय यही है, जो मेरी फिलॉसफी है, कि इस देश में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। ये फ्यूल अगर 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ भी अगर किसान इथेनॉल तैयार करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा,
तो हमारे देश का किसान सुखी समृद्ध संपन्न होगा, गांव में रोजगार निर्माण होंगे। मार्च महीने में ही बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई। इसी दौरान सोशल मीडिया पर ये क्लेम चलाया गया कि इस ब्लास्ट के सिलसिले में एनआईए ने अब्दुल सलीम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यूजर्स इस दावे को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे कि ये एक इस्लामिक आतंकवादी है। कुछ मीडिया संगठनों ने भी इस दावे को पब्लिश किया। ऑल्ट न्यूज ने जांच की और पाया कि अब्दुल सलीम नामक जिस शख्स को रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में आरोपी बताया जा रहा है, उसे असल में एक और मामले में गिरफ्तार किया गया था। पटना में राष्ट्रीय जनता दल की रैली में इकट्ठा हुई भीड़ की बताते हुए ये तस्वीर इंटरनेट पर काफी शेयर की गई। कई वेरीफाइड यूजर्स इसी क्लेम के साथ ये तस्वीर शेयर करने लगे। ऑल्ट न्यूज ने इस तस्वीर के बारे में 2017 में ये फैक्ट चेक रिपोर्ट पब्लिश की थी और पाया था कि वायरल तस्वीर एडिटेड है। राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने उस वक्त ये एडिटेड इमेज ट्वीट की थी। कांग्रेस द्वारा जनवरी में शुरू की गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद से सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई तरह के फर्जी दावे किए जा रहे हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनका ये वीडियो काफी शेयर किया गया था। एक तरफ बीजेपी के लोग सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक धर्म को दूसरे धर्म से बांट रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से बांट रहे हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांट रहे हैं। हमारी जांच में सामने आया कि कथित वायरल वीडियो एडिटेड है। एक तरफ बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से बांट रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से बांट रहे हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांट रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रही है और यात्रा से एक लाइन में कांग्रेस पार्टी की पूरी विचारधारा एक लाइन में आ गई। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है कांग्रेस पार्टी। ऐसे ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये वीडियो भी इस दावे के साथ काफी शेयर किया गया कि उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की। हमेशा कांग्रेस पार्टी देश को डिवाइड कर रही है, जाति के नाम पे डिवाइड कर। जब वायरल वीडियो वाले इंटरव्यू के लंबे वर्जन को हमने खंगाला तो हमें मालूम हुआ कि कथित वीडियो क्लिप किया गया है, उसमें पीएम मोदी का नाम हटा दिया गया था। चंद लोग अब मोदी बोलते हैं। हमेशा कांग्रेस पार्टी देश को डिवाइड कर रही है, जाति के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं भाई, हम तो लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। इन सब के बीच ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया था और इसके साथ दावा किया गया था कि वीडियो में दिख रही मुस्लिम लड़की दूसरी लड़की का ब्रेन वॉश कर उसे एक मुस्लिम लड़के के साथ जाने के लिए कह रही थी और बाद में उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया। कई दक्षिणपंथी यूजर्स ने इसी सांप्रदायिक दावे के साथ ये वीडियो शेयर किया। छानबीन करने पर सामने आया कि ये घटना साल 2021 में कर्नाटक के कोडागु जिले में हुई थी, जिसमें भीड़ ने एक मुस्लिम लड़की पर एक ईसाई लड़की को बुर्का देने की बात पर परेशान किया था। भीड़ लड़की से पूछने लगी कि उन्होंने किसी और लड़के को बुर्का क्यों सौंपा था और वो कहां से है। भीड़ ने इस मामले में लड़कियों को धमकाया और कथित रूप से उन पर शारीरिक हमला भी किया। यानी साल 2021 में मुस्लिम लड़की को परेशान किए जाने का वीडियो हाल में मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधते हुए शेयर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के डेटा पर रिपोर्ट्स पब्लिश की। इन रिपोर्ट्स में पॉलिटिकल पार्टियों को मिले चंदे और किसने और कितना चंदा किन राजनीतिक दलों को दिया है, इसको लेकर जानकारी अलग अलग भागों में पब्लिश की गई है। इसी बीच इंटरनेट पर रिपोर्ट में दिख रही इस हब पावर कंपनी को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कहने लगे कि ये एक पाकिस्तानी कंपनी है। ऑल्ट न्यूज ने मामले में छानबीन करते हुए पाया कि ये कंपनी दिल्ली में स्थित थी, जिसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था।
दिल्ली सरकार के जीएसटी विभाग ने इस कंपनी को फर्जी कंपनी बताया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चल रही सुनवाई का ये वीडियो इंटरनेट पर शेयर करते हुए दावा किया गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कार्यवाही के बीच में ही उठकर वहां से चले गए। ऐसे ही क्लेम के साथ कई लोगों ने ये वीडियो शेयर किया। 11th of March, my lord, we thought that we are ad item, that this information would help the voter to take a call whether to vote in favor of a particular party or not. Well, thereafter, this started in a very systemic already order. Alt News ने सुनवाई का पूरा वीडियो देखा और पाया कि वायरल वीडियो एक अधूरा वर्जन है। मूल रूप से CJI अपनी कुर्सी पर ठीक से बैठने के लिए उठे थे। Party or not? Well, thereafter, this started in a very systemic already. इस महीने ऑल्ट न्यूज ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के अपनी ही गाइडलाइंस को नजरअंदाज करने के बारे में ये डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की थी। हमने पाया था कि मेटा ने ऐसे विज्ञापन को अनुमति दी जिसमें हत्या का वीडियो चलाया गया, और तो और इस कथित वीडियो को लाखों की संख्या में व्यूज भी मिले थे। हमने मेटा द्वारा हुई इस चूक को लेकर उन्हें कुछ सवाल भी भेजे थे। हमें उनके एक प्रवक्ता की ओर से जवाब मिला कि उन्होंने ऑल्ट न्यूज द्वारा फ्लैग किए गए कंटेंट के संबंध में जांच की और उसे मेटा के स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन पाया। उन्होंने मामले में कार्रवाई किए जाने की बात भी हमें बताई।